दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सब कैसे, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों गूगल एडसेंस की तरफ से मैं 2018 का एक नया अपडेट आ चुका है, जो दोस्तों अपडेट 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक सभी यूजर को, एडसेंस यूजर को मिल गया होगा। तो अगर दोस्तों आप यूट्यूब चैनल का ओनर है, मतलब आप एक क्रिएटर है और आपके पास एडसेंस है, या फिर आप वेबसाइट है, या फिर कोई प्ले स्टोर में आपका ऐप है और एडसेंस के द्वारा पैसा कमाते हैं, तो ये चीज़ जो अपडेट आया है तो मैंडेटरी कर दिया गया है सभी नया या फिर पुराना जो एडसेंस यूजर है, तो सभी के लिए। तो दोस्तों जब भी अगर आप कोई एडसेंस आपका जो पुराना वाला या फिर नया एडसेंस अकाउंट ओपन करते हैं, तब आपके पास इस तरह से एक मैसेज आ जाता है पॉपअप विंडो। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका जो एडसेंस अकाउंट है ओपन होता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डियर पब्लिशर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारा टर्म्स कंडीशन है, तो मैं बेसिकली 4 से 5 टर्म्स कंडीशन बताऊंगा जो मेजर है। दोस्तों ये जो टर्म्स कंडीशन है इसमें कुछ नया भी है, कुछ पुराना भी है। दोस्तों मेन जो 4-5 अपडेट है वही मैं बताऊंगा। अगर आप चाहे तो पूरा आपका एडसेंस अकाउंट खोलेंगे तो इस तरह से एक अपडेट पेज आएगा, तो पूरा टर्म्स कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आज जो है बेसिकली मेन जो 3-4 बातें हैं तो मैं बताऊंगा, और किस तरह से एक्सेप्ट करके ओपन करेंगे उसके बाद ही ओपन होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो क्या अपडेट आया जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इस तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। तो चलिए इसको देख लेते। तो सबसे पहले आप लोग गूगल एडसेंस पे चलते। गूगल एडसेंस पे चलने के बाद ये वाला जो टर्म्स कंडीशन है, तो अगर आपकी और दोस्तों आपके पास भी यूट्यूब चैनल है और या फिर वेबसाइट है चलाते हैं आप, या फिर ऐप चलाते हैं आप, तो आपके पास एडसेंस तो होगा ही। तो जब ओपन करते इस तरह का टर्म्स कंडीशन पेज आ जाता है, तो इस टर्म्स कंडीशन पेज में क्या क्या लिखा है बेसिकली जो पॉइंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक एडसेंस अकाउंट का ओनर है तो आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो गूगल कभी भी आपके पास आपका आईडी प्रूफ मांग सकता है, जैसे करके कि आपका कोई भी आईडी प्रूफ, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर रेशन कार्ड, कोई भी आपका आईडी प्रूफ या फिर आपका जो फोटो है वो भी मांग सकता है, या फिर आपका जो फ़ोन नंबर जो वेरीफाई करने के समय दिए थे वो फोन नंबर भी मांग सकता है। तो आप एक ही चीज़ ध्यान दे दीजिए कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, तो आईडी प्रूफ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी आईडी कहाँ से आप खरीद लिया, गूगल एडसेंस खरीद करके किसी और से अकाउंट आप यूज़ कर रहे, या फिर आपका जो फ़ोन नंबर जब गूगल एडसेंस ओपन किए थे तब जो फ़ोन नंबर दिए थे वो वेरीफाई द्वारा वेरीफाई किए थे वो अकाउंट, आप उस मोबाइल नंबर अगर आप खो गया है तो अब किसी भी तरह से आप अभी जाके अकाउंट को चेक कर लीजिए और नया मोबाइल नंबर जो है आपके पास वो अटैच कर लीजिए। पहला वाला है। सेकेंड वाला है कि अगर आपका एडसेंस किसी भी टाइम पे सस्पेंड या फिर स्टॉप बंद कर दिया जाता है कोई भी इलीगल एक्टिविटी की वजह से, तब पहले क्या होता था कि जिस टाइम पे आपका अकाउंट सस्पेंड होता था उस टाइम के आपके अकाउंट पे जितना डॉलर रहता, जितना पैसा रहता, वो आपके एडसेंस अकाउंट सस्पेंड होने से पहले आपका बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता था। इसके लिए कोई $100 का कोई लिमिट नहीं था। दोस्तों आपको पता ही होगा $100 होने से आपके एडसेंस अकाउंट से बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए सस्पेंड होने से कोई लिमिट नहीं था। पर दोस्तों आप क्या कर दिया कि जब जिस टाइम आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड या फिर स्टॉप बंद कर दिया जाएगा उसी टाइम जितना भी डॉलर, जितना भी पैसा आपका एडसेंस में अकाउंट पर रहेगा टोटल 0 वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बैंक अकाउंट पे रिमेनिंग जो बैलेंस है ट्रांसफर नहीं होगा। ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड वाला जो है दोस्तों, जब आपका गूगल एडसेंस आपका $100 होने के बाद आपको पेमेंट भेजता है और किसी भी रीजन की वजह से, बैंक का डिले से या फिर किसी भी डिले की वजह से गूगल एडसेंस आपको बोल देता है कि आपका बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो गया पैसा, और किसी भी रीजन की वजह से आपका बैंक पर नहीं आया है, तब उसका जिम्मेदार गूगल एडसेंस नहीं होगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको नियर बाय जो ब्रांच है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, या फिर और कुछ दिक्कतें हैं तो वहाँ पर जाकर आपको बात करना पड़ेगा। इसके लिए पहले क्या होता था कि गूगल एडसेंस से जाके आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते थे, मेल भेज सकते थे उन लोगों को, पर अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको बैंक पर ही जाना पड़ेगा। अगर 30 डेज के अंदर नहीं आता तो तब आपका गूगल एडसेंस पर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर वाला पॉइंट है। और 4 नंबर वाला जो पॉइंट है दोस्तों अगर आप वेबसाइट चलाते हैं और या फिर कोई ऐप आपका प्ले स्टोर में चलता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी और अकाउंट का एड्स डाल के आपके वेबसाइट पर चलाते हैं या फिर आपके ऐप पर चलाते हैं या फिर आपका जो एड्स है तो किसी और अकाउंट पर चलाते हैं, तब आपका अकाउंट किसी भी टाइम बंद हो सकता है, क्योंकि गूगल एडसेंस जो है हर टाइम रोबोट के द्वारा वेरीफाई करता है। अगर कुछ भी गलती पकड़ा गया तो तब उसी टाइम तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 4-5 मेन रीजन था, 4-5 जो मेन टॉपिक है वो मैंने बता दिया, जो क्या नया टर्म्स कंडीशन आया है। तो सिंपल और भी बहुत सारा है, तो बेसिकली पुराना वाला है, तो मैंने जो मेन लगा तो मैं आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। तो सिंपल यहां पे कुछ पढ़ सकते हैं, उसके बाद यस आई हैव रीड एक्सेप्ट एंड एग्रीमेंट पे जाके कंटिन्यू टू एडसेंस पे चला जाएंगे, तो उसके बाद आपका जो एडसेंस अकाउंट है एक्सेप्ट कर देने के बाद खोल जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन हो रहा है और उससे देख सकते हैं मेरा जो एडसेंस अकाउंट है बेसिकली ओपन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसका जो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर सकते हो। और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर या फिर वेबसाइट का ओनर है या फिर आपका ऐप प्ले स्टोर में है, तो ये चीज़ सबको एडसेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी टाइम आपका अकाउंट जो है बंद हो सकता है। दोस्तों इसी तरह से लेटेस्ट टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक, कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय।